हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 6 विषय गणित, अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना, प्रश्न नंबर 5.4 आज आपको हल करा हुआ। देखो बेटा, बड़ी सरल प्रश्नावली है, जरा ध्यान पूर्वक समझना। क्वेश्चन नंबर 5, 4 तक मैंने आपको कल तक के वीडियो में सिखा दिया था। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, किस कोण का माप बड़ा है। हमारे पास दो आकृति दी गई है, हमें पता करना है किस कोण का माप बड़ा है। पहले आकलन कीजिए फिर मापिए। आकलन का मतलब देखकर, इन दोनों को देखकर पता करना है कौन छोटा है और कौन बड़ा। मैं आपको सरल तरीका सिखा रहा हूं कि देखकर ही हमको मालूम पड़ जाएगा कौन सा कोण बड़ा है और कौन सा कोण छोटा। देखो बच्चों, ये दोनों रेखाएं परस्पर, देखो ये रेखा थोड़ी ज्यादा झुकी हुई है और ये रेखा थोड़ी कम झुकी हुई है, यानी ये रेखा ज्यादा झुकी है और ये रेखा सीधी खड़ी थोड़ी। कहने का मतलब ये ज्यादा झुकी हुई है और ये कम झुकी हुई है, तो ये कम झुकी हुई है इसका मतलब ये कोण बड़ा है, ये ज्यादा झुकी हुई है इसका मतलब ये कोण छोटा है। तो कोण भी बड़ा है कोण ऐसे, आकलन विधि से क्या पता किया, कोण भी ये बड़ा का चिन्ह, कोण भी बड़ा कोण ऐसे। अब आप चांदी से मापोगे इन दोनों को, तो माप के देख लेना, मापने पर कोण ए आएगा 45 डिग्री का और मापने पर कोण बी का मान आएगा 70 डिग्री। आप चांदी से माप के देख लेना, तो ये आपका बी बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 6, किस कोण की माप बड़ी है, वही बात। पहले आकलन कीजिए फिर मापिए। तो देखो बच्चों, वही बात, ये आपस में ज्यादा झुकी हुई है, ये आपस में कम झुकी हुई है, तो आपको मालूम पड़ गया ये कोण बड़ा है और ये कोण छोटा है, अर्थात ये कोण आपका ए है और ये कोण आपका बी है। आप चांदी से मापोगे तो वापस ये आएगा आपका 45 डिग्री और इसको मापोगे ये आएगा आपका 60 डिग्री, तो ये बी 60 डिग्री बड़ा है और ए वाला 45 डिग्री है ये छोटा है। देखो बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 7, न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण या ऋजु कोण से रिक्त स्थान भरिए, यानी इनको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। नंबर 1, वह कोण जिसका माप एक समकोण हो, एक समकोण से कम हो, तो एक समकोण से कम हो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर न्यून कोण कहते हैं। देखो बच्चों, इसके बाद में ये बी, वह कोण जिसका माप एक समकोण से अधिक हो, तो देखो ये तो एक समकोण से कम है, तो एक समकोण से कम का मतलब न्यून कोण होता है और एक समकोण से अधिक यानी 90 डिग्री से बड़ा हो उसे क्या कहेंगे हम, अधिक कोण। अधिक का मतलब अधिक कोण। एक समकोण से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं और एक समकोण से अधिक हो उसे अधिक कोण कहते हैं। वह कोण जिसका माप दो समकोणों के योग के बराबर हो, एक समकोण 90 डिग्री का होता है तो दो समकोण 180 डिग्री के होंगे, राइट। और 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं हम, आपको बता रखा हमने, वह कोण जिसका माप दो समकोणों के योग के बराबर हो, मतलब 180 डिग्री का माप हो, उसे क्या कहेंगे हम, ऋजु कोण होता है। दो कोणों के मापों का योग एक समकोण के बराबर हो, दो कोणों का माप का योग कितना हो, एक समकोण है, दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री बन जाए, दोनों कोणों का जोड़ कितना बन जाए, 90 डिग्री। तो प्रत्येक कोण कैसा होगा, हम 90 में दो का भाग देंगे तो 45 आ जाएगा, अर्थात दोनों कोण कैसे होंगे, न्यून कोण। दोनों कोण कैसे होंगे, न्यून कोण होंगे। दो कोणों के मापों का योग एक ऋजु कोण के बराबर हो, बच्चों देखो यहां तो दो का जोड़ 90 डिग्री हो रहा था तो दोनों न्यून कोण हो जाएंगे, और यहां पे क्या है कि दो कोणों के मापों का योग एक ऋजु कोण यानी 180 डिग्री, दो कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री के बराबर हो और इनमें से एक न्यून कोण हो,
एक न्यून कोण हो, दूसरा कितना बचेगा, न्यून कोण से अधिक बचेगा, दूसरा कोण क्या बचेगा, अधिक कोण, अधिक कोण, ठीक है। तो ये आपको सात तक अच्छी तरह समझ में आ गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर में आपको आठ सिखाऊंगा, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर आठ में लिखा है नीचे दी गई आकृति में दिए गए प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए, पहले देखकर यानी आकलन विधि से फिर चांदी से मापिए। देखो बच्चों देख के मालूम पड़ रहा है ये क्या है, देखो ये बिल्कुल ये क्या होता है, नब्बा होता है सीधा, इस टाइप का नब्बा होता है आपका, ऐसा ये नब्बा होता है। तो देखो यहाँ पे ये थोड़ा इधर झुकी हुई है, ये इधर झुकी हुई है मतलब ये न्यून कोण है, और ये नब्बे से इधर है तो ये अधिक कोण, ये नब्बे से इधर झुकी हुई है तो न्यून कोण है, ये नब्बे से इधर बड़ी हुई है तो ये अधिक कोण है। तो ये दोनों न्यून कोण है और ये दोनों क्या है, अधिक कोण है। अब ये देख के मालूम पड़ गया कि ये दोनों न्यून कोण है और ये दोनों क्या हमारे अधिक कोण है। अब आप चांदी से माप के देखना, तो इसका माप तो आएगा 45 डिग्री और इसका माप आएगा 68 डिग्री। इसको माप के देखना चांदी से 135 डिग्री आएगा, आप अपनी बुक से मापना, आपकी बुक में है, और यहां इसको माप के देखना ये आएगा 128 डिग्री, आप माप के देखना। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दी गई आकृति में घड़ी की सुइयों के बीच के कोण ज्ञात कीजिए। देखो एक नंबर ये रही, यहां पे घड़ी की सुई का है 9 पे और 12 पे, तो ये कितने भाग हो गए, यहां से लेके एक भाग, ये दो भाग, तीन भाग। और देखो आपको हमने पहले भी सिखाया था, फिर सिखा रहा हूं, एक भाग कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। तो यहां पे देखो कितने भाग है घड़ी की सुई, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, तो एक भाग 30 डिग्री का होता है, तो हम तीन का गुणा किससे करेंगे, 30 से, तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, ये 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री इसका आंसर आ गया। अब देखो यहां पर क्या है, घड़ी की सुई कितने भाग पर है, यहां से 12 से लेके ये एक भाग है, वो एक भाग कितने होता है, 30 डिग्री का होता है, तो इसका आंसर आएगा 30 डिग्री, ठीक है। अब ये कोण कितना है, बिल्कुल सीधा देखो, यहां 12 से लेके एक भाग, ये दो भाग, तीन, चार, पांच, छह भाग, तो एक भाग 30 डिग्री का होता है, तो छह का गुणा किससे कर लेंगे, 30 से कर लेंगे, ठीक है। तो उत्तर कितना आ गया, 180 डिग्री प्राप्त हो गया। तो यहां पे देखो 90 डिग्री, यहां 30 डिग्री, और यहां पे कितना कोण बन रहा है, 180 डिग्री या रिज्जु कोण बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, दी गई आकृति में चांदा 30 दर्शा रहा है, 30 डिग्री, तो वो चांदा है, इस चांदे से नापेंगे 30 डिग्री का कोण दर्शा रहा है। अब देखो इसी आकृति को यदि आवर्धन शीर्ष के द्वारा देखें, लेंस, लेंस आता है ना, यदि लेंस से अपन देखेंगे तो बताइए क्या होता है, क्या यह कोण बड़ा हो जाता है, हाँ हाँ, यदि हम आवर्धन यानी बड़ा बड़ा करने वाले शीशे से देखेंगे हम, तो यह आकृति आपको बड़ी दिखाई देगी, तो इसको उत्तर कहेगा, क्या यह कोण बड़ा हो जाता है, हाँ हमें यह कोण बड़ा दिखाई देता है। दूसरा प्रश्न क्या है, क्या कोण का माप भी बड़ा हो जाता है, तो लिखेंगे नहीं, कोण का माप तो 30 डिग्री ही रहेगा मापने पर, लेकिन यह आकृति हमको बड़ी दिख जाएगी, तो यह आकृति हमको बड़ी दिखाई देगी, लेकिन कोण बड़ा, कोण का माप बड़ा नहीं होगा, कोण की आकृति बड़ी दिखाई देगी, कोण का माप तो बड़ा नहीं होगा, लेकिन आकृति हमको बड़ी दिखाई देगी, क्या ये कोण बड़ा हो जाता है, हाँ हो जाता है, क्या कोण का माप बड़ा हो जाता है, नहीं होता है। तो आपको 10 तक अच्छी तरह समझा लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसके बाद मैं आपको सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 11 सिखाऊंगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, ये आपकी आकृति बनी हुई है, हमें इन्हें मापना कोणों को और प्रत्येक कोण को वर्गीकृत करना है, इन कोणों का नाम दे रखा है, देखो एओबी, यहां लिखा है एओबी, एओबी आप चांदी से माप लेना, ये 45 डिग्री आएगा, एओसी यानी यहां से लेके यहां तक, तो ये पूरा आएगा आपका अपने पास, तो ये यहां से लेके एओबी कितना आएगा, 45 डिग्री नाप के देखना, ये बीओसी आएगा आपका 80 डिग्री, और ये सीओडी आएगा 100 डिग्री, और ये एओडी आएगा एओडी 135 डिग्री, तो एओबी आ गया 45, एओसी यानी एओसी इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया 125 डिग्री, बीओसी 80 डिग्री, डीओसी ये रहा डीओसी आपके देख रहा 100 डिग्री आ रहा है,
DOA, DOA ये नाप के देखना 135 डिग्री, DOB देखो ध्यान से DOB इसी की रेखा हमारे पास ये हो गया 180 डिग्री, ठीक है। तो कोण का नाम आ गया, इनका माप भी आ गया, इन कोणों का माप भी आ गया, ये माप। अब प्रकार, ये 90 से कम है तो न्यून कोण, ये 90 से अधिक है तो अधिक कोण, ये 90 से कम है तो न्यून कोण कहेंगे, 90 से अधिक है तो ये अधिक कोण, ये 90 से अधिक है तो अधिक कोण, ये 180 डिग्री का कोण है जिसको कहेंगे ऋजु कोण, डीओबी, डीओबी का नाम ऋजु कोण, ठीक है। इस प्रकार आपको मैंने ये कोण को माप के बता दिया और प्रत्येक कोण का वर्गीकरण कर दिया अपने कि इसका नाम किस प्रकार का होगा, ये न्यून कोण, ये अधिक कोण, ये न्यून कोण, ये अधिक कोण, क्यों, क्योंकि ये 90 से बड़ा है। तो मैं आशा कर सकता हूं बच्चों आज बताए गए आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। धन्यवाद।